शाम के बज चुके हैं, शाम के रात ही हो चुकी है बल्कि, और टाइम हो चुका है अपना 9:15। तो भाई अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, मेरे बैग पड़ा है तैयार, अपन भी तैयार है, बस थोड़ा सा खाना बन रहा है वहीं बस में खाने के लिए। जाते हुए अपन बस में जाएंगे, आते हुए अपने को आना है ट्रेन में, तो बस की टिकट अपनी हो चुकी है ना। तो बस का टाइम है 10:35 के राउंड का, तो उसके लिए मैं पहुंच जाऊंगा बाईपास अभी, कैब को कैब या फिर ओला बाइक करके चला जाऊंगा फटाफट से, क्योंकि अकेले जाना है मेरे को। तो चलते हैं और शू मिलते हैं आप थोड़ी देर में, बस एक पैक हो गया सामान। रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही, बस भैया ने गाने लगा रखे हैं ओला बाइक में। वेट कर रहा हूँ मैं बाईपास पे बस आने का अपने न्यू वो में कराई है टिकट। 10:40 का टाइम है, देखते हैं कितना बजे तक आएगी। अब तो कोई लग नहीं रहा मुझे कि कहाँ है, पता नहीं, बोला गया था कि इस बोर्ड के नीचे बस मिलेगी। वैसे भी बस रुकी है चार्ज होने के लिए, तो मैंने कहा वॉशरूम आते हैं, घड़ी भी कह रही है थोड़ा उठ के चलते हैं। चाय बनवाई है मैंने, उसके साथ खाऊंगा रोटी के पड़े खाली ली थी मैं, तो वहीं बैठ गया साइड में, मैंने कहा सबसे बढ़िया यही है। वॉइस ऑन द रोड होते हैं बस चार्ज, यहाँ पर रुके थे मैंने, अभी चाय पी के पीछे खा लिया मस्त अपना, और अभी थोड़ी देर लगेगी। तुम देख लो कितना कैडा हो रहा है, ठंडा ठंडा। अभी उतर चुका हूँ अमृतसर में, रेलवे स्टेशन पर उतरा था, रेलवे स्टेशन के उस साइड जाऊँगा आज आके, उस साइड से थोड़ा बकरा चला तो पैसे कम लगेंगे। अभी मैंने पूछा 150 रुपये बोल रहे थे, मैंने कहा बताता हूँ अभी तुम्हें, फिर जाके पकड़ लूँगा, क्योंकि रात में दोबारा ही आना है, आज रात की ट्रेन भी वापसी ही। दरबार से जा रहा हूँ, वहाँ जाके तैयार होऊंगा, फिर आपको दरबार से दर्शन कराता हूँ। सही तरीके से बस स्टैंड है, शोर देख लो कितना हो रहा है, यहाँ से इधर वहाँ से छोड़ेंगे मुझे अंकल रिक्शे में। सैटरडे गाइस, भीड़ देख रहे हो सुबह सुबह, पर धूप नहीं है सबसे अच्छी बात यह है। ऐसी मार्केट है, सामने जलियांवाला बाग भी है, जंगल रोड की सजावट हो रखी है। सुबह 10 बज रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, वॉशरूम मिल गया मुझे नहाने के लिए, फटाफट से नहा लेता हूँ, फिर सरोवर में स्नान करेंगे। स्नान अभी बैग मैंने जमा करा दिया क्लॉक रूम में, छोटा बैग ले लिया, चार्जर वगैरह ईयरफोन इसमें रख लिया। अभी जा रहा हूँ अमृतसर गुलचाह में, जिसमें हमेशा आते हैं, उसके बाद एक गुरुद्वारे जाऊँगा, फिर दो जाऊँगा, फिर अपना शाम को दर्शन करके, फिर 12:00 बजे 11:45 उड़ा हुआ है। ऐसा कैसे लगता है, आप क्या खाऊँगा मैं, शिट हो गई। तो बनता शर्मा जी का है, उसके मुकाबले मुझे कुछ नहीं लग रहा भाई, ठीक था, पर उसकी ऐसी बातचीत नहीं थी जिसका मैं हमेशा खाता था। तनिया कहाँ चला गया आज, ये 5 वाली पेप्सी मिलती है, पर लाइन देख लो कितनी तगड़ी लगी है उसके लिए। पहले अभी हम बाबा अटल राजी गुरुद्वारे दर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें से ऊपर से पूरा अंबरसर दिखता है, शायद अभी वो बंद होगा, बट स्टिल चलते हैं अंदर दर्शन तो कर ही लें। भीड़ तो मैं कभी गुरुद्वारे में देखी नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ अपनी भीड़, अंदर भी बाहर हो रहा है। यहाँ का सरोवर ही बहुत बड़ा है, बिल्कुल हवा चल रही, बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ऐसे गुरुद्वारा जस्ट बगल में बीबी गोलन जी का, इस गुरुद्वारे में भी दर्शन किए, गुरुद्वारे की सारी वॉल्स पे वाहेगुरु वाहेगुरु लिखा हुआ है वॉल्स के ऊपर, और ऊपर एक ओंकारी बना रखा है, चिकनी बना रखी है दीवार पे, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। अभी फिलहाल बच चुके हैं 12:53 और मैं वेट कर रहा था 4 बजने का, क्योंकि 4 बजे मैं लगूंगा दरबार साहिब के मेन लाइन में, उस समय लाइन कम होती है, मुझे शाम की रहराज साहिब भी सुनी है, तो वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट रहता है मेरे लिए। फिलहाल धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, इसलिए मेरी आँखें थोड़ी सी आ रही हैं आ रही हैं। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे भी हुए, क्योंकि बहुत टाइम है 3 घंटे मेरे पास अभी, एंड मैं फ्री हूँ, मैंने खाना भी खा लिया, मतलब लंगर मिश्री कुल्चा खाया था, सोच रहा हूँ कि वो रोवर है बाबा अटल राय जी गुरुद्वारे का ऊपर से। इस साइड हम पहली बार आया, मैं 3-4-5 बार मतलब कई बार आ गया अमृतसर, पर इस गुरुद्वारे में कभी नहीं आया था, मैंने आज पहली बार आया हूँ।
हमेशा हम वहाँ चढ़ते हैं ऊपर और वहाँ से आपको दिखाते हैं इधर का व्यू। आज यहाँ से दिखा रहे हैं उधर का व्यू। चलो चलते हैं। खैर नीचे इसमें याद पता चलिए कि गुरु जी गॉट द नेक्टर पूल। दिस पूल वॉज बिल्ट बाई गुरु जी बाई इन दुपन बाबा बुड्ढा सिंह जी। और उन्होंने बोला था कि बिफोर टेकिंग द होली डिप इन द हरमंदर साहिब सरोवर वी हैव टू टेक द नो यू हैव वी हैव टू टेक होली डिप इन दिस नेक्टर पूल। तो आज तक हमने किया नहीं ऐसा। अगली बार से अब आऊँगा तो पहले यहाँ पर स्नान करेंगे फिर वहाँ पर स्नान करेंगे। बैठे मस्त मजे में अपन आ गए नीचे। धूप आ रही है जा रही है मौसम बारिश वाला हो रहा है पर आ नहीं थी बारिश। यहाँ भी बहुत भीड़ है गाइस। बाबा दीप सिंह जय बोल रहा हूँ। एक गुरुद्वारा है और ये अला गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का है। दोनों के इतना सा कहता है मैंने जोड़े यहाँ बता रहे थे इस बार इसलिए मैं यहाँ पे गया नहीं आज तक। यहाँ पे पहले यहाँ पर गया हूँ बाबा दीप सिंह जी अभी लेके गया था। अब यहाँ पे चलेंगे उस पहले एक बार वॉशरूम में जाना पड़ेगा फिर अब मिला जाके गुरुद्वारा है फिर चलेंगे अंदर। ये वो गुरुद्वारा ये है पाँचवाई पंजवी यानी कि फिफ्थ गुरु। जैसे भी पीछे वाली मार्केट है यहाँ से दरबार साहब जाऊँगा पैदल हो बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे वहाँ पर दो तीन गुरुद्वारे वहाँ से तो निकल गया मैं पैदल चल रहा हूँ आधा 600-700 मीटर है। पैदल पर चल किसी और ही वहाँ पर मतलब मैं जाऊँ लंगर हॉल लंगर शक में क्योंकि 4 बजे लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही तो मैंने सोचा अरे लंगर शक लेता हूँ उसके बाद चल लेंगे लंगर शक थे। बस लंगर हॉल की लाइन देख लो 15 मिनट बाद नंबर आया मैं अंदर आने का तो लंगर शक लिया। अब कितनी मर्जी भीड़ हो तो चलना लगना है लाइन में आज रात में कितना प्यारा लग रहा है सब है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरे को निकलना है थोड़ी देर में। अब आया हमारे मार्केट में रात हो चुकी है 8 बज रहे हैं। मुझे टी शर्ट लेनी है मेरे को दोबारा टी शर्ट ले लिया मैंने अभी दिखाऊंगा घर जाकर। फिलहाल चलते हैं अभी मैं जा रहा हूँ गठरीगढ़ में से अपना बैग लेने के लिए और कपड़े बदलता हूँ पहले तो। मुझे बैग मैंने निकाल लिया गुरुद्वारे में आके बैठ गया थोड़ी देर ट्यू में जाने के लिए। बस ट्रेनिंग का टाइम हो गया अभी ट्यू में कपड़े वगैरह सब बदल चुका हूँ। भीड़ हो गई है ना इसमें बहुत हलचल हो गई है गुरुद्वारे में। वही बेरिए है मैंने स्नान किया था लंगर छकने के लिए आया था मैं। ये लंगर हॉल की छत है और भीड़ दिखाऊंगा कितनी है देखो। लंगर हॉल की एंट्री की भीड़ है वो पीछे तक लाइन लग रही है लग नहीं मुझे नंबर आया। लाइट से पता है अंदर आ रहा है
टाइम बहुत लगता है। फाइनली मूविंग टाइम हो गया मेरी ट्रेन का। मैंने खैर दिखते सभ्य था हूँ नहीं तो दिया, मतलब कि आई सीन ऑल द प्लेसेस बट नन कैन कंपेयर यू। परसों गुरु रामदास जी की गुरुगद्दी दिवस है, इस वजह से इतनी संगत आई है, इसी वजह से फायर वर्क हुआ था आज। मुझे ये चीज़ यहाँ पे आके पता चली, वरना तो मैं परसों ही आता, आज क्यों आता। खैर कोई नहीं, फायर वर्क हमने देख ही लिए, सारा भी चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शा पकड़ते हैं, पकड़ूंगा तो रिक्शा वाले पागल बनाएंगे। आगे जाता हूँ, जहाँ उतरा था वहाँ से पकड़ूंगा। तन गुरु रामदास, सबकी रक्षा करना। इतने बजे तक ना, 11 बजे तक रोड आधी खाली हो जाती थी, आज भरी हुई है बिकॉज ऑफ द गुरुगद्दी दिवस, संगत ज़्यादा है। बाय टू द मार्केट। सो अभी लगभग इसी टाइम यहाँ पहुँचा था, पूरे 12 घंटे में खाया। अभी बात हुई 1.7 किलोमीटर की, 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, हाथ का टाइम है, क्या करें। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ले ले भाई, एक्सीलेटर मिल गया। और ये क्या, तो चल ही नहीं रहा एक्सीलेटर पर भी, चल के जाना पड़ रहा। अभी टाइम से पहले पहुँच गए 11:05 पे, अब 40 मिनट यहाँ बैठना पड़ेगा। दो नंबर पे आएगी मेरी ट्रेन, उनका वेट कर रहे हैं सारे लोग। बहुत लंबी ट्रेन है, विशाखापट्टनम में जाती है, 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हमारा स्टेशन तो स्टार्टिंग में ही है, बट स्टिल ये ट्रेन बहुत लंबी है, 35-40 स्टेशन है इसके। जैसे मैंने पास से देखा इंजन अभी चालू, अभी चढ़ा भी जाता है। ट्रेन चलने में लोग ऐसे भाग रहे जैसे अभी चल पड़ेगी, रुकते हैं, जस्ट अभी आई है। रिजर्वेशन में ही भाग रहे ऐसे जनरल डब्बा में चढ़ना। खास बात है, ऐसे बेहोश हो गया था ना मैं, बेहोश था। मुझे पता नहीं किस काम से हम गाँव बैठा हूँ। टीटी आके मुझे ड्राइवर पूछने के लिए कौन सी आपकी सीट है रिजर्वेशन के लिए, पहला तो पहुँचने वाले हैं। इससे पहले कहीं मैं मैं उतर जाऊँगा मैं, अगर उसको मैं ट्रेन भरी मैं उतर गया पटरी पर, क्योंकि यहाँ से ना सब्जी मंडी स्टेशन पास था और वहाँ से मुझे घर पहुँचना आसान है। मैंने सोचा कि यहीं उतर जाता हूँ, काफ़ी लोग उतर गए देखो ना जा रहे हैं, यहाँ से अपना घर पास है। मैंने बहुत देर से प्लानिंग कर रखी थी, पर ट्रेन वहाँ पे स्टेशन में ना धीरे तो हुई थी, बट वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था। मैं मेरे को पता है उतरते ही ना वो हमारी ऐसे ऐसे कर देता, वो चालान काट देता। अब यहाँ से तो हम साइड से निकल जाएंगे, किसी को क्या पता फिर रोकना कितने सारे लोग जा रहे हैं। अभी उसका टाइम हुआ भी नहीं है और दूसरी ट्रेन आ रही है, देखो फिर कोई वो ट्रेन है यार। ट्रेन मतलब मज़ा आ रहा है, मेट्रो से ही आ गए भाई, सबसे बढ़िया। वहाँ से उतर के वापसी चले, मेट्रो स्टेशन तक आ गए मस्त, यहाँ से चलता है घर। खाली पड़ा है, किसी स्टेशन नहीं है, खाली पड़ा हुआ पूरा, खाली 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 खाली। पर बच्चों के भी घर पे, इस लोग को इसी के एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिले कल दोबारा एक बेहतरीन से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।